तो ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट शुरू हुआ मेडिकल साइंस के अंदर, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल यानी कि एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट, और इसके ऊपर स्टडीज हैं। बदकिस्मती से मैं चैलेंज करता हूं, मेरे पास लोग आते हैं जो बहुत बड़े स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, उनको भी नहीं पता, बिकॉज यू बिलीव इन जेनेटिक्स एंड आई एम अ ह्यूमन बिहेवियर पर्सन। वी डोंट बिलीव इन जेनेटिक्स, वी बिलीव इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स मोर देन एनीथिंग एल्स। और इस पर साइंस प्रूफ कर चुकी है। मसलन सेल बायोलॉजिस्ट के 70s के एक्सपेरिमेंट्स हैं, दुनिया में अवेलेबल है, जो डॉक्टरों को भी नहीं पढ़ाया जाता। हाँ जी, डायबिटीज होगी, जेनेटिक्स है ना जी। देखें, सेल बायोलॉजिस्ट का एक्सपेरिमेंट है, एक ही बॉडी से स्टेम सेल लिए गए एक ही जगह से, उनको 3 पीडियाट्रिक डिशेस में रखा गया। आपको पता है स्टेम सेल्स ग्रो करते हैं। उसके बाद क्या किया, स्टेम सेल्स को तीनों पीडियाट्रिक डिशेस का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, टेम्परेचर्स चेंज कर दिए, तो पता चला एक ही जिस्म के एक ही हिस्से के स्टेम सेल्स दे स्टार्टेड गिविंग डिफरेंट शेप्स। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक जगह एक एनवायरनमेंट आपको कैंसर दे रहा है, दैट मीन्स कि ये जो एनवायरनमेंट है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस एनवायरनमेंट, जो कि अल्टीमेटली आपको ग्रोथ के सेल दे रहा है। आपने जनाब कीमियो करवाई, सेल रुक नहीं रहे, फिर ग्रो कर गए। मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी सारी इसी में गुजार दी है। लोग कहते हैं यार तुम मैनेजमेंट के गुरु थे, तुम किधर चल पड़े हो। वो एक स्टेपर स्टोरी है कि मैं कैसे इस एरिया में आया, बट दिस इज़ हाउ इट हैपन। वो कहते हैं कंबल नहीं छोड़ता, ये मेरा शौक था, एंड दिस स्टार्टेड ऑफ बिकॉज आई वॉन्टेड टू फिक्स माई सेल्फ, नेवर नोइंग इट्स गोना बिकम माई प्रोफेशन।